हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जो है अपना iPhone 13 को जो है iOS 17.2.1 के अपडेट के ऊपर जो है अपडेट कर लिया है। एंड देन इसका मैं जो है आपको फुल रिव्यू करके बताऊंगा। इसमें मुझे हीटिंग इश्यू देखने को मिल रहा है या फिर नहीं देखने को मिल रहा है, बैटरी डेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस इसकी बताऊंगा, नेटवर्क के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, सभी के सभी हमको इसमें लैग भी देखने को मिल रहा है या फिर नहीं देखने को मिल रहा, इस अपडेट में बग देखने को मिला है या फिर नहीं देखने को मिला है, ग्रीन स्क्रीन इशू है या फिर नहीं है। आपको सभी के सभी जो है इशूज़ हैं वो आपको जो है इस वीडियो में आपको जो है फुल रिव्यू करके डिस्कस करके आपको जो है बताऊंगा। सो गाइस, इसका जो है मुझे साइज है वो दोस्तों कितना देखने को मिलता था वो भी आपको मैं साथ में बताऊंगा। तो सिंपली मैंने जो है इसको अपडेट कर दिया है iOS 17.2 के अपडेट से। एंड देन इसका जो मुझे साइज है वो दोस्तों 224 MB जो है वो देखने को मिला था iPhone 13 के ऊपर, और आपके जो है अलग अलग डिवाइसेस में बड़ा छोटा भी आपको जो है साइज देखने को मिल जाता है और किसी किसी और डिवाइसेस में। सो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। सो अगर हम कंपेयर करें iOS 17.2 के अपडेट्स के साथ, तो उसमें हमको जो तो iOS 17.2 के अपडेट्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, इस अपडेट में काफ़ी सारी वो प्रॉब्लम्स हैं वो फिक्स कर दी गई हैं, या ये जो अपडेट आया था उसमें हमको कोई भी फीचर्स नहीं देखने को मिले। इस अपडेट में हमको ये सभी के सभी हमारे बग्स थे, लैग वगैरह थे, उस चीज़ को जो है काफ़ी सारा जो है इंपॉर्टेंट रख के आपको इस चीज़ को जो है फिक्स किया गया है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे जो है ये अपडेट काफ़ी सारा बेस्ट लगा। अगर iOS 17.2 के अपडेट से मैं अगर बात करूँ तो मुझे जो है परफॉर्मेंस वाइज ये काफ़ी सारा जो है अपडेट बेटर लगा है। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहें अपने iPhone 13 के ऊपर तो आप कर सकते हो। हीटिंग इशू मुझे जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। आप चेक कर, आपको भी पता है कि हमारे जो है विंटर सीजन चल रहा है, इसलिए दोस्तों हीटिंग इशू जो है वो दोस्तों नहीं देखने को मिला। अगर मैं इसको फुल ब्राइटनेस कर इसको बिल्कुल जो है गंदी तरीके से यूज़ करूं तो मुझे जो है हीटिंग इशू देखने को मिल रहा है, वो भी दोस्तों नॉर्मल सा अपना केस भी डालकर मैं इसमें धूप में लेकर बैठा रहूं। एंड देन मुझे फुल ब्राइटनेस करके इसको यूज़ करूं तो मुझे जो है इसका हीटिंग इशू जो है वो देखने को मिल रहा है। सो सिंपली अगर मैं इसके बैटरी ड्रेन की बात करूं, सो iOS 17.2 के अपडेट में मुझे है काफ़ी सारी iPhone 13 के ऊपर बैटरी ड्रेन इशू देखने को मिला था। एंड देन उस अपडेट में मेरा जो है बैटरी हेल्थ जो है वो जो है 2% जो है ड्रॉप हुई थी मेरे iPhone 13 के ऊपर। सो मेरे iPhone 11 के भी ऊपर जो है वो दोस्तों 2% जो है बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुई थी। एंड देन इस अपडेट में जो है मेरी काफ़ी सारी जो है बैटरी ने परफॉर्मेंस जो है काफ़ी सारी बेटर कर दी गई है। आप चेकआउट कर सकते हो, अभी जो है 96 हो चुकी है। एंड देन मैं जो है अब iOS 17.2 के अपडेट में से पहले जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो मेरे जिस 98 थी, जब मैंने इसको अब iOS 17.2 का अपडेट इंस्टॉल कर लिया तो मेरे जो है 96 हो गई। इस अपडेट में मुझे है बैटरी हेल्थ ड्रॉप भी देखने को नहीं मिला। एंड देन आप चेकआउट कर सकते हो ग्राफ फुल बैटरी का, अभी दोस्तों मुझे जो है रात में दोस्तों 2 से 3% बैटरी जो है ड्रेन देखने को मिलती है, क्योंकि मैं अपना फ़ोन को वाईफाई के साथ जो है कनेक्टेड रखा हूँ रात भर दोस्तों, ओवरनाइट में भी जो है कनेक्टेड रहता है वाईफाई। एंड देन मेरा जो है नोटिफिकेशन वगैरह जो आते रहते हैं, इसलिए मुझे जो है 2 से 3% जो है बैटरी जो है ड्रेन देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों काफ़ी सारा नॉर्मल है, कई कई फ़ोनों में दोस्तों हमारी जो है 10 से 20% भी जो है बैटरी जो है ड्रेन हो जाती है। वो दोस्तों बैटरी हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड देन उसकी यूसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो किस तरह से फ़ोन जो है यूज़ करता है। नेटवर्क के साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है आपको मैं रेफर जो है आपको जो है रिकमेंड करता हूँ, आप जो है जियो का जो है नेटवर्क यूज़ करें। उसमें दोस्तों हमको नेटवर्क काफ़ी सारा बेस्ट देखने को मिल रहा है। तो और अगर हम और किसी नेटवर्क के साथ बात करें तो वो दोस्तों मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जो है अपने iPhone 13 के ऊपर जो है जियो की जो है नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मुझे है काफ़ी सारी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, नेटवर्क के साथ बिल्कुल भी मुझे जो है बिल्कुल भी दोस्तों मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। जो जो भी मैं इसमें यूज़ करता हूँ डेटा वगैरह या फिर कॉलिंग वगैरह, वो दोस्तों मुझे सभी जो है बेस्ट देखने को मिल गया है। सो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है iOS 17.2 का अपडेट तो बेटर है। अगर आपने iOS 17.2 का अपडेट किया है तो उस चीज़ को आप हटा दीजिए। अगर आप डाउनग्रेड करना चाहें तो आप डाउनग्रेड करना कर सकते हो। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें iOS 17.2.1 को अपडेट को तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। वरना आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को जो लाइक करना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स सो मच।